कोटा भीम विधायक एआर मीणा ने एसपी बरदुल कछवा को भ्रष्टाचार में लिप्त एवं अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से सहयोग करने वाले नहीं बताने पर एसपी के समर्थनों में एवं जनता में भारी रोष है। सर्वप्रथम करौली जिले में एक युवा ईमानदार और हिम्मत वाले एसपी कछवा के अलावा आना मुश्किल है। उन्होंने 11 महीने में धौलपुर में रहते हुए 11 डकैतों में से मारे कुछ सरेंडर करवाए और अब करौली जिले में गुंडे ऐसे सब कांपते हैं जैसे भाई हैं। जरा बच के रहना, नहीं तो कछुआ आ जाएगा। हमारे एसपी बहुत हिम्मत वाले हैं, ईमानदार ईमान इंसान हैं। कौन कहता है एसपी भ्रष्ट है? हमारे एसपी ने बहुत बड़े कारनामे किए हैं और वो रुपए की इसमें पकड़ी है। अच्छा जी, गुंडों सहित कर दी और खाली एक इंसान इतना कुछ कर सकता है? अगर यह नेता लोग साथ थे तुम्हारे एसपी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नेताओं का साथ बहुत कम है। जब नेता ही बुराई करते हैं, चार नेता अच्छाई और एक बुराई, तो उनकी बात कौन मानेगा? और जनता से पूछे कि जनता में कितने छा गए हैं। एसपी कछुआ, हमारी जनता चाहती है यह कम से कम 5 साल और रहे कछुआ जी, ताकि यहाँ की गुंडागर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंक जाए। भ्रष्ट नेता देवन के चमचे गुंडे क्योंकि चुनाव सर पर है, इतना खतरनाक एसपी का यहाँ रहना ठीक नहीं है। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं क्योंकि जनता स्टॉप और बहुत से नेता यही चाहते हैं कि कछुआ जी करौली में अभी और रहें। इनकी हिम्मत में कितने कारनामे, बहुत से कार्य किए हैं एसपी कछुआ जी ने। हम पूरी जनता दिल से सलाम करते हैं कछुआ जी को। हम रमेश जी से और लखन जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, अभी कछुआ जी करौली में ही रहना चाहिए। जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाए तब तक यह हमारी कामना है। और कछुआ जी गया समर्थन करने वालों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।